भाई ये मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। क्या होगा? क्लाउड एंडिंग। वो क्या होता है? मतलब बादल खत्म हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, मसूरी की दूसरी सुबह में आप सभी का स्वागत है। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। भाई स्विट्जरलैंड में नहीं, मसूरी में हम। मसूरी में? हाँ जी। तो दोस्तों इस टाइम हम मसूरी में है। यहाँ की खूबसूरती आप देख सकते हैं, अनबिलीवेबल। So guys, अभी जो है हम लोग इस टाइम कहाँ पे हैं? जॉर्ज एवरेस्ट उधर पड़ेगा, तो जॉर्ज एवरेस्ट से थोड़ा सा नीचे है। मसूरी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो जॉर्ज एवरेस्ट ही है। तो पहले यहाँ पे हमको व्यू पॉइंट अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। तो आप मसूरी आइएगा तो यहाँ पे जरूर आइएगा। यहाँ का जो व्यू है वो रियली अनबिलीवेबल है यार। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। हम लोगों ने जाना वहाँ पे जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं उनसे मालूम किया गया तुम लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती होगी। कह रहे नहीं यार हमको यहाँ से परेशान है। मैं कह रहा ऐसा क्यों? क्या है ना दिल भर जाता है यार। और अब ये बात हकीकत है, वो एक कहावत सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वही वाला हिसाब है। अब जो टूरिस्ट होते हैं उनको तो एक्साइटमेंट होता है ना कि मतलब कभी उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है, एकदम से वो चीज़ हमें देखने मिल जाए तो एकदम ऐसे एक्साइटमेंट हो। बट उन लोगों के लिए तो ये नॉर्मल चीज़ है। डांस के लिए मन कर रहा है भाई, यहाँ तो डीजे हो तो मज़ा आ जाता। विदाउट डीजे के कर लेते हैं। Cause I can't see you anywhere, cause I don't wanna know it's what I should go on, don't wanna let you down, you just wanna know how far I will go, cause you know I won't stay around, so let me know, let me अभी हम लोग जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट पर और ये सीधा ऊपर जाएगा। दिखाओ यार, सीधा ऊपर जाएंगे हम लोग यहाँ से। और इस तरह से है, इस तरह से जो पहाड़ के ऊपर है इस तरह से डर सा भी लग रहा है। मतलब इधर कोई वो नहीं है ना और सपोर्ट भी नहीं है यार इधर पकड़ने के लिए। तो हाँ मतलब कुछ नहीं है। ये रास्ता भाई ऐसा रास्ता बहुत ख़राब है आगे। तो पत्थर भी डाल रखे हैं यार साइड में। आओ ये जैसे टूट हुए ऐसे पड़े ही गिर जाते होंगे हवा से। आओ चलते हैं भी चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट पर इस टाइम। मसूरी की सुनहरी वादियों में आप सभी का स्वागत है। और ये मसूरी की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, उधर आपको सामने हिमालय। ये मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है दोस्त। बादल आए। हाँ सिर्फ बादल, सिर्फ बादल है यहाँ पे। मतलब आप सोच सकते हो कि कितने हाईएस्ट पॉइंट पे बादल जो है मतलब इक्वल लेवल में है। यहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग जाएंगे क्लाउड एंडिंग पर। वहाँ पे जो है कैसे ही होगा एंडिंग हो जाता है। क्या होगा? क्लाउड एंडिंग। वो क्या होता है? मतलब बादल खत्म हो जाते हैं। बादल नहीं है। हाँ वहाँ से नीचे से जाएंगे ना, नीचे से सीधा इधर। क्या कर रहे हो यहाँ पर? कितना प्यारा व्यू आ रहा है। कैसा लग रहा व्यू? व्यू तो अनबिलीवेबल है यार, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। और बताइए। कुछ कह नहीं सकते, आप ही देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। हमको तो बहुत प्यारा अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो गाइस चलते। देखो नईम भाई ने नाम लिखा है शोएब अख्तर और नईम अहमद, ऐसे और एन ए। तो ये हमारी पहचान है यहाँ की। ये है शॉर्टकट यहाँ का जाने का। वैसे जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। हम लोग जो है यहाँ से बड़ी आराम से इधर खाइए। अगर थोड़ा सी भूल चुक हुई है। हाँ कहाँ सर यार? यहाँ से किधर किधर साइड चलें? इधर चलते। रुको यार यहाँ पे अख्तर साहब आराम से के साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दो दो व्यू लेना, व्यू व्यू अख्तर साहब लेना। आ रहा है यार व्यूज आ रहा है। फ्रंट कैमरे से ले लो ना वीडियो यार। फ्रंट कैमरे से नहीं यार, देखो तो सही। चलो चलता है। देखो मैं फाइनली रास्ते पे तो आ चुके हैं। देखना गहराई कितनी है यहाँ की। आ जाओ। वहाँ पे थे हम लोग जो वहाँ पहले सुबह जो पहुँचे थे। सो दोस्तों इस टाइम हम लोग हैं लाल टिब्बा पर। इस टाइम हम लोग लाल टिब्बा पर हैं। ये मसूरी की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो अगर आप लोग मसूरी आए तो प्लीज़ यहाँ पे जरूर आइएगा। ग्लेशियर बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वाइट कलर, वाइट कलर का। हाँ ये जो देख रहे हैं ये पीछे हिमालय है और इसी के पीछे है नेपाल। नेपाल। सो गाइस अगर आप यहाँ पे आएँ तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइए। तब तक हम कॉफ़ी को ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू।